नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए कुढ़नी में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे पहला रुझान लाइव सिटीज आपको बता रहा है। देखिए कुढ़नी में वोटों की गिनती शुरू होते ही बीजेपी आगे दिख रही है। बीजेपी से केदार गुप्ता जो है पहले रुझान में आगे निकल चुके हैं। पिक्चर तो अभी बाकी जरूर है, लेकिन शुरुआत में बीजेपी की बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए पहले राउंड की गिनती अब खत्म हो चुकी है और पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी के केदार गुप्ता आगे दिख रहे हैं। और हम अब आंकड़ा बताते हैं आपको, बीजेपी को पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद तक 4,194 वोट मिले हैं, जबकि जेडीयू को 2,195 वोट मिले हैं, वीआईपी 372, ओवैसी की पार्टी 172। तो देखिए पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद जो बीजेपी है यानी कि केदार गुप्ता जो प्रत्याशी है वहां से बीजेपी के, वो 1,999 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये पहला रुझान है, ये पहले राउंड की गिनती है। 23 राउंड तक कहा जा रहा है कि मतगणना होगी और इन 23 राउंड में अब उससे पहले ही पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन 23 राउंड की गिनती जो है होनी है। अब ऐसे में पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और अभी अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कुढ़नी विधानसभा से, वहां पर वोटों की गिनती के पहले रुझान में बीजेपी के केदार गुप्ता को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 1,999 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी मनोज कुशवाहा से वो आगे चल रहे हैं। देखिए दावे तमाम किए जा रहे हैं और अभी तक वो दावे बरकरार हैं जो नेताओं के द्वारा कहे गए कि हम कुढ़नी जीत रहे हैं। सीट तो महागठबंधन की थी, सीट तो राजद की थी, लेकिन इस बार बाजी कौन मारेगा, महागठबंधन ही या फिर कुछ और खेला होने जा रहा है। खैर ये अभी नतीजों का वक्त नहीं है, फिलहाल रुझान का वक्त है और रुझान कुढ़नी से आने लगे हैं। पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है, एक बार आपको फिर से बता देते हैं, 4,194 वोट बीजेपी के केदार गुप्ता को पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद मिले हैं, जबकि जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 2,195 वोट आए हैं। तो कुल जो है मार्जिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद तक बीजेपी जो है 1,999 वोटों से आगे चल रही है, यानी कि केदार गुप्ता जो है मनोज कुशवाहा से 1,999 लगभग 2,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए अब यहां पर वीआईपी और एआईएमआईएम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वीआईपी को पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद 372 वोट मिले हैं, मुकेश सहनी की पार्टी को जो घी के लड्डू बनवा रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम जो कि ओवैसी की पार्टी है, इसके प्रत्याशी गुलाम मुर्तजा अंसारी को 172 मत प्राप्त हुए हैं पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद तक। तो रुझान आने शुरू हो चुके हैं, अब मिनट भर में घंटे भर में सब कुछ तय होने लगेगा, कौन कितना आगे जा रहा है, कौन कितना पीछे छूट रहा है। और यह भी पता चलेगा कि कुढ़नी की जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किसको आशीर्वाद दिया है। दावे तमाम किए जा रहे हैं, चाहे महागठबंधन की बात करें, बीजेपी की बात करें, ओवैसी के पार्टी की भी बात कर लेते हैं या फिर मुकेश सहनी की बात कर लेते हैं। देखिए खेला तो बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि यहां पर समीकरण पहले जैसा नहीं है। गोपालगंज में जिस प्रकार ओवैसी की पार्टी और सहनी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा, हो सकता है कि यहां भी इनकी बड़ी भूमिका नजर आ जाए। लेकिन फिलहाल पहले रुझान की हम बात कर रहे थे, लगभग 2000 वोटों से मनोज कुशवाहा से केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं, 1,999 वोट का मार्जिन है। पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है, दूसरे राउंड की गिनती में क्या कुछ तस्वीर साफ होती है हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।